हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है, आईपीसी की धारा 498A, 406, 384, 420 के मामले में। ये जो व्यक्ति था, इसकी जो याचिका थी FIR को रद्द करने की, जहाँ हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ यह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील करता की जो याचिका को उसको स्वीकार करते हुए और हाई कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया। आइए जानते हैं पूरे इस इम्पोर्टेंट जजमेंट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट तथ्य, यानी कि फैक्ट क्या है। मामला ये है कि जो ये अपीलकर्ता, जो प्रतिवादी हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आए, और जो शिकायतकर्ता, जो कि प्रतिवादी का पिता है, और अपनी बेटी की शादी के प्रस्ताव के लिए उदयपुर में अपीलकर्ता, जो कि एक हिसार में एक चार्टेड अकाउंटेंट है, उसके पास गया था। उसके बाद 18/2/2015 को इनकी सगाई हुई। उसके बाद 21/3/2015 को उदयपुर में शादी संपन्न हुई। 10/10/2015 को प्रतिवादी ने पुलिस स्टेशन हिसार ने हरियाणा में 498A IPC के तहत शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद 17/10/2015 को धारा 498 के तहत 2015 में पुलिस स्टेशन हिसार में जो दर्ज की गई, और साथ ही साथ पहली जो FIR थी जिसमें अपीलकर्ता के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया। फिर आगे जांच के बाद दिसंबर 2015 में अपीलकर्ता के खिलाफ CRPC की धारा 173 का सब क्लॉज 2 के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और धारा 498A IPC के आधार पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और मुकदमा आगे बढ़ा। उसके बाद उसका मामला दर्ज कराया गया। इसी बीच अपीलकर्ता ने उदयपुर में 10/2015 की दूसरी जो FIR है 156 को रद्द कराने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष CRPC की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की, और उच्च न्यायालय ने उस याचिका 6/3/2017 को मुख्य रूप से दो आधारों पर खारिज कर दिया गया। सबसे पहला जो आधार था कि उदयपुर की जो शिकायत हिसार की शिकायत से पहले की थी, जबकि दूसरा आधार ये किया गया, बताया गया कि राजस्थान पुलिस को हिसार पुलिस के समय पहले की कार्रवाई और शिकायत के बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसे में उदयपुर जो पुलिस को उदयपुर में की गई शिकायत की जांच करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये जो था, ये पूरी केस के फैक्ट थे, तथ्य। कोर्ट के समय याचिकाकर्ता की तरफ से ये बात प्रस्तुत की गई कि जो शिकायत है वो दोष मुक्ति के फैसले और दोनों के आधार के संबंध में अपेक्षित आदेश में रिकॉर्ड के सामने में स्पष्ट त्रुटियां की ओर आकर्षित किया गया। उदयपुर में शिकायत के समय पहले की थी और उससे ज़्यादा हिसार में, और दूसरी बात यह कि राजस्थान पुलिस को हिसार में हुई कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रतिवादी की तरफ से, यानी कि स्टेट की तरफ से क्या दिया गया वो भी जानते हैं। प्रतिवादी की तरफ से शिकायतकर्ता की तरफ से वकील ने जोरदार तर्क दिया, हिसार की अदालत का कोई क्षेत्रीय अधिकार नहीं था क्योंकि अपराध उदयपुर में किया गया था, इसलिए हिसार द्वारा बरी करने का फैसला सुनाया गया, और शिकायत की जांच और जांच राजस्थान पुलिस द्वारा की जानी चाहिए थी, लेकिन इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण जांच आगे नहीं बढ़ी और याचिका खारिज की जानी चाहिए थी। तो ये बात प्रतिवादी की तरफ से कोर्ट के समक्ष रखी गई। न्यायालय का क्या तर्क था, आइए वो जानते हैं। न्यायालय ने अपने तर्क में ये बताया कि प्रतिवादी 2 और 3 एक के बाद एक शिकायत दर्ज करके अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर रहे थे। इसके अलावा ना तो हिसार में ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने और ना ही हिसार में अपनी शिकायत वापस लेने का कोई भी आचरण पता चलता है। कोर्ट ने कहा कि एकमात्र इरादा अपीलकर्ता को पहले हिसार में और फिर उदयपुर के मुकदमे का सामना कराकर परेशान करना था। यह भी ध्यान रखना था कि अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद उसे जमानत दे दी गई थी, और अब इस न्यायालय के समय प्रतिवादी 2 और जो 3 थे, यानी कि उदयपुर में जो उन्होंने FIR को रद्द कराने का जोरदार विरोध कर रहे थे, तो कोर्ट ने यह भी नोट किया कि हिसार में की गई शिकायत इस आशय का आरोप है कि जब प्रतिवादी 2 ने हिसार में अपीलकर्ता का दौरा किया तो उसने उससे रुपए की मांग की, जो कि 50 लाख और एक इनोवा कार भी थी। इस प्रकार यह भी तर्क में है कि हिसार में कोई भी अपराध नहीं हुआ, केवल उदयपुर में हुआ, जो कि सही नहीं था। कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को परेशान करने के लिए राज मशीनरी के दुरुपयोग की इस प्रथा को निंदा कोर्ट ने की,
और अपीलकर्ता को मुआवजा देने के लिए प्रतिवादी दो पर लागत लगाने के लिए भी कोर्ट ने इच्छुक थी। तो न्यायालय ने अपने इम्पोर्टेंट तर्क में ये बात रखी। फिर उसके बाद जो कंक्लूजन था वो ये था कि जो अपीलकर्ता की जो अपील है उसको स्वीकार कर ली और उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जो कि 1/11/2015 की FIR 106 के रूप में दर्ज कराई कार्रवाई के रूप में जुर्माने के साथ भी उसको रद्द कर दिया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जहाँ पे इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली और इसके ऊपर जो मामला था उसको रद्द कर दिया गया। आशा करती है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस केस का जो टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर उसको समझिएगा और उसके बाद भी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।